हिंदी फिल्मों में मेला देखने गए नायक नायिका के मिलन और बिछड़ने की कहानियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन भारत में एक ऐसा मेला लगता है जहां कुवारे युवक अपना जीवन साथी तलाशने के लिए आते हैं, और इनकी अपने जीवन साथी को चुनने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में लगने वाले भगोरिया मेले के बारे में। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों जैसे धार, झाबुआ, खरगोन और अलीराजपुर जिलों में भगोरिया मेले का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। यह मेला होलिका दहन के पहले एक सप्ते तक लगता है। आदिवासी समुदाय के जो लोग काम करने के लिए अपने क्षेत्र से दूर चले जाते हैं, वो भगोरिया मेले के समय जरूर वापस आ जाते हैं। सज धज कर आए हुए लोग मेले में पारंपरिक नृत्य करते हैं। युवकों की अलग अलग टोलियां सुबह से ही बांसुरी, ढोल और मांदल बजाते हुए मेले में घूमती है। वहीं एक ही रंग के कपड़ों में चांदी के गहने से सजी हुई महिलाओं की सुंदरता देखते ही बनती है। मेले में पुरुष और महिलाएं ताड़ी का भी सेवन करते हैं, हालांकि लोग अब ताड़ी की जगह बियर का भी सेवन करने लगे हैं। इसमें नज़ारा ये है कि मतलब नाच गाना होता है, शराब पी के, ताड़ी पी के नाच गाना करना, और इनका मुख्य त्यौहार यही है। अच्छा आनंद आता है अपन को। क्या खास बात है जो आपको लुभाती है, क्या क्या चीज़ अच्छी? नाच होता है, झूला होता है, सब कुछ होता है, कोई शर्म नहीं, कोई ये नहीं। मेले को आदिवासी युवक युवतियों के प्रेम पर्व के रूप में देखा जाता है, क्योंकि भगोरिया हाट बाजारों में युवक युवतियां सज धज कर जीवन साथी को ढूंढने आते हैं। इनमें आपसी रजामंदी जाहिर करने का तरीका भी बेहद निराला होता है। सबसे पहले लड़का लड़की को पान खाने के लिए देता है, और अगर लड़की पान खा ले तो हाँ समझी जाती है। इसके बाद लड़का लड़की को लेकर भगोरिया हाट से भाग जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। दूसरा तरीका है, अगर लड़का लड़की के गाल पर गुलाबी रंग लगा दे और जवाब में लड़की भी लड़के के गाल पर गुलाबी रंग लगा दे तो भी रिश्ता तय माना जाता है। बाद में परिवार वाले भी इस विवाह को मान्यता दे देते हैं। ये भगुरिया है, ये इन लोगों का त्यौहार रहता है, और यहाँ के लोग लड़की पसंद आती है तो पान खिलाते हैं और गुलाल डालते हैं, इस हिसाब से हम देखने के लिए उतरे। हालांकि अब पिछले 8-10 वर्षों से आदिवासी समुदाय के पढ़े लिखे जागरूक युवाओं द्वारा समाज में जागरूकता के लिए प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों का मानना है कि भगोरिया मेले का दुष्प्रचार किया जाता है, जबकि यह आदिवासियों का होली से पहले की खरीदारी और उत्सव का मेला है, जिसमें पूरा आदिवासी समाज भाग लेता है। वक्त के साथ साथ मेले का रंग ढंग भी बदलता जा रहा है। अब आदिवासी लड़के ट्रेडिशनल कपड़ों की बजाय मॉडर्न कपड़ों में ज़्यादा नजर आते हैं। फिर भी भगोरिया मेला रंग बिरंगे उत्सव का माहौल बनाता है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। आप इस मेले के बारे में क्या सोचते हैं?